मुझे बहुत मजा आता है कि मैं किसी की जिंदगी के हवाले से उनकी जो जिंदगी में ट्विस्ट आए हैं वो सुनूं। मैं हमेशा जब भी कहीं किसी दावत में जाती हूँ या कोई फैन मुझे मिलता है और मुझे कोई अपने किस्से सुनाता है तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता है, और इसीलिए मैंने सोचा कि आज हम कुछ मुख्तलिफ करते हैं प्रोग्राम में, और हम आप ही जैसे कोई भी कपल होंगे उनसे उनकी कहानी, उनकी जिंदगी में आने वाले ट्विस्ट छोटे बड़े जो भी हों उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला कपल मेरे पास यहाँ एक यंग कपल है जिनका नाम है सुंबल अनस एंड अनस हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? 2 साल हुए। 2 साल, छोटे छोटे से हैं दोनों, कहाँ मिले थे? डिबेट कॉम्पिटिशन में। डिबेट? अच्छा, डिबेटर्स हैं आप दोनों? हम दोनों डिबेटर्स हैं। तो क्या एक दूसरे के खिलाफ डिबेट कर रहे थे? वो होता ना, पहले एक दूसरे को पसंद नहीं करते फिर बाद में। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पर मैंने पहली दफा इन्हें देखा था। हाँ, मुकाबला चल रहा था और मैं बस इनको मुस्तकिल देख रहा था। तो आपने डिबेट ही भूल गए? मैं यकीन करें मुझसे फंबल्स हो गए उस डिबेट में ना, मैं मतलब जो मैं अपने पॉइंट्स लेकर गया था वो मैं भूल गया, मैं डाइस पर गया अपनी डिबेट करने के लिए और मैंने वहाँ बोलना शुरू किया, मैं भूल गया। तो आपकी आपकी जिंदगी में क्या ट्विस्ट आए, क्या क्या हुआ? मेरी तो मोहब्बत के मीम से लेके निकाह के हैद तक पूरी जिंदगी में ट्विस्ट ही था। अब आप उसको किसी भी तरह लें, आप बिलीव करें। सबसे पहले तो मैंने जब इनको पसंद किया तो मैंने पहले हिम्मत पकड़ी के, क्योंकि पहली दफा जिंदगी में ऐसी बातें किसी से मोहब्बत हुई और वो भी वन साइड मोहब्बत और बोले भी ना जाए, चाहते बेटर हो और लफाजियां ना, वरना आपने किसी मियां को इतनी लफाजियां करते हुए देखा नहीं। फन मुकर्री का ये एक तोहफा गया। तो मैंने बड़ी कोशिश की, पहले तो इनसे किसी तरह रब्ता हुआ, चंद के पास मोबाइल भी नहीं होता था तो बड़ी सख्ती थी घर में। अच्छा, किसी ना किसी तरह फेसबुक पर कनेक्ट हुए हम लोग। अच्छा, ढूंढ के पूरी स्ट्रगल कर ली सब, पढ़ाई से भी ध्यान थोड़ा सा हट गया कि बस भाई अब तो करना है, बात करनी है आगे। मजीद मैंने इनसे पहले इनसे बातचीत करी ना, तो इनसे बातचीत करने के बाद इन्होंने को मुझे खास रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। हाँ। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि यार मतलब मेरे में किस चीज की कमी है, एक अच्छा वाला लड़का हूँ, किसी चीज की कमी नहीं है और इसके बावजूद एक लड़की मुझे सामने से रिस्पॉन्स नहीं कर रही। फर्स्ट टाइम तो मैंने इनको भाई भी बोल दिया था। बिलीव करें क्योंकि हम लोग क्योंकि मुकाबले जात में जब परफॉर्म करते थे तो इसी तरह से हमारी कम्युनिकेशन होती थी, भाई बात सुनी गए थोड़ा सा पॉइंट बता दें इस तरह। तो फिर क्या हुआ, क्या इनकी ऐसी चीज हुई कि आपको लगा अच्छा बनता है भाई? नहीं मतलब ये मुझे मैसेजेस करते थे तो मैं इनको जवाब देती थी, जैसे एक डिबेटर एक दूसरे को देते हैं जी जी जी, तो फ्रेंडली तौर पे। हाँ। तो मैं इनको इनसे बात वगैरह करती थी लेकिन इन्हें ये बात करते थे मुझसे, बस पता ही नहीं चला कब करते करते मैं। हाँ। भी इनको मतलब फ्री होते थे, मतलब होने लग गए फ्रेंड, लेकिन हम लोग पहले फ्रेंड बने थे। अच्छा, इन्होंने मुझे फ्रेंड बनाया। अब तो चले जी हो गया, आप दोनों दोस्त बन गए। अब आगे की कहानी क्या हुई? आगे ये हुआ कि इन्होंने मुझे जब क्या कि इनकी मैंने वालदा से पहले बात की ना, हिम्मत करके कि मैंने बोला आंटी आपकी मुझे लड़की पसंद है और शादी करना लड़की है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने बोला, क्योंकि मम्मा साथ जाती थी हमेशा। अच्छा, आपकी? हाँ, मैं थोड़ा नर्वस भी था। बहरहाल मैंने आंटी से हिम्मत करके आके बोल तो दिया। अब आंटी मुझे गुस्से में यूँ देखे और मैं डरा सहमा सा बैठ जाऊँ, शायद ऐसा ना हो कि एक रेपर डाल रहा हूँ मुँह पे मेरे और सारा मेरा नक्शा बदल जाए। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ, तो सिलसिला बढ़ता रहा और आंटी से बात के बाद आंटी ने बोला तुम इनके अंकल से खुद आकर बात करो। इनके अंकल इनके अब्बू? इनके मतलब अपने अंकल से। हाँ। इनके अब्बू से बात करो। अब मैं और थोड़ा सा डर गई क्योंकि ये मुझे बता चुकी थी कि मेरे वाले साहब इंतहाई गुस्से के थे। इन्होंने जब मुझे बोला तो मैंने इनको मना कर दिया, मैंने कहा मेरे पापा बहुत सख्त है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ। मतलब इनके तरफ से आंटी की भी यही अल्फाज थे, इनके भी यही बात थी, तो मैं बिल्कुल नर्वस हो गया कि यार ऐसा ना हो मैं बात करूँ तो मेरी पिटाई हो जाए कुछ हो जाए। बहरहाल हिम्मत करनी थी, अब इश्क़ तो हो चुका था। ये तो बड़ा डिबेट भी करते, टू द पॉइंट बात नहीं करते, फुल तमीज बांधते हैं। आप बताएं मुझे फिर क्या हुआ? मैं भी तो डिबेटर्स। हाँ, नहीं तमीज नहीं, मुझे डायरेक्ट डायरेक्ट बताएं। तो बस वो क्या कहते हैं, इन्होंने बात की तो फर्स्ट टाइम पापा, नहीं पापा से इन्होंने बात नहीं की, पहले ना मैंने पापा से बात की। हाँ। एक मरतबा तो पापा ने बहुत सख्ती से झाड़ दिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये वो हम लोगों में ना मतलब रिश्तेदारों में होती है। हाँ। तो मैंने कहा नहीं मैं करूँ, रिश्ते भी आ रहे थे लेकिन आप मान गए थे? मेरे वाले साहब तो मान चुके थे कि मैं बचपन में इजाजत ले चुका था।